नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। आज ओशो ज़ेन टैरो के 9th एपिसोड में हम बात करेंगे द कार्ड ऑफ करेज, और राइडर वेट का 9th कार्ड जो है वो है द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। दोनों के अंदर जो है बहुत सिमिलैरिटी है। सो करेज के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट राइडर वेट टैरो कार्ड विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो वो हमें ये बता रहा है कि दैट आपको जो है एक ऐसी सिचुएशन के साथ डील करना है जिसको आप जितने रिलैक्स और काम वे से डील करेंगे उतने अच्छे से जो है उससे आप बाहर निकल आएंगे। स्ट्रेंथ आपकी जो है एक तरह का टेस्ट भी है आपके लिए, एक तरह की सिचुएशन जहाँ पे आपके बारे में पता चलता है कि लाइक हाउ डीप यू आर, कि आप कितने गहरे पानी में हैं, और वो आपको आपकी पावर के बारे में रिमाइंड कराता है। उस पावर, वो पावर जो हमेशा से आपके भीतर है, जिसको आप इस्तेमाल करके जो भी अपनी लाइफ की जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे डील कर सकते हैं और उससे बाहर आ सकते हैं। सो स्ट्रेंथ कार्ड हमें जो है मैसेज देता है, ट्राई टू डील थिंग्स इन अ काम एंड रिलैक्स वे, इन दिस वे यू विल नो द सीक्रेट ऑफ लाइफ, यू विल नो द आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये थी बात राइडर वेट टैरो द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं ओशो ज़ेन टैरो के द कार्ड ऑफ करेज की। तो सबसे पहले तो हम पिक्टोरियल मीनिंग देखते हैं। पिक्टोरियल मीनिंग में हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा फूल जो है बहुत सारे पत्थरों के बीच में से बाहर निकल रहा है। अब सबसे पहली बात तो उसमें ये देखने को है, ये जो फूल जो निकला वो ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल सिचुएशन थी कि जिसके अंदर से ये बाहर आया। आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इतना हार्श है कि इस फूल का निकलना जो है इट्स लाइक अ मिरेकल। और इस फूल की अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो अगर हम उस फूल की लाइफ को देखें तो उसकी लाइफ इतनी वल्नरेबल है, इतनी डेलिकेट है, इतनी सेंसिटिव है दैट इट कैन बी टेकन अवे एनी टाइम, कि कभी भी उसकी लाइफ ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस फूल ने हिम्मत करी, उस फूल ने करेज दिखाई बाहर निकलने की, अपने सीट को तोड़ने की, और फाइनली एक ऐसी सिचुएशन में आने की जहाँ पे वो फूल बन सका। एक बिल्कुल इम्पॉसिबल यात्रा है लेकिन हुई। तो ओशो ज़ेन टैरो का जो कार्ड है द कार्ड ऑफ करेज, वो हमें उसी हिम्मत की याद दिलाता है जो हमारे अंदर है, जो हम अचीव कर सकते हैं। जब हम एक सीड को देखते हैं, वो सीड एक ऐसी पोजीशन में है कि वो प्रोटेक्टेड है। उसका अगर आप शेल देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग है। सीड अपने अंदर बहुत प्रोटेक्शन महसूस करता है। लेकिन जब वो फाइनली, जब उसके साथ ही एक स्टेज आती है कि जब वो खिलना शुरू होता है, वो कहीं ना कहीं उस शेल को तोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपनी सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए तैयार हो गया, और फाइनली उसने जो है एक इनसिक्योरिटी की तरफ जो है यात्रा शुरू कर दी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी वांट टू लिव इन आवर सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम वी कम एज सीड एंड वी डाई एज सीड, एंड वेरी फ्यू ऑफ अस डिसाइड टू ब्रेक दैट सीड एंड बिकम अ फ्लावर। असल में सीड को एक्चुअली में पता भी नहीं होता कि उसकी क्या पोटेंशियल है और वो क्या अचीव कर सकता है और वो कहाँ पहुँच सकता है। सीड को ये भी इमेजिनेशन नहीं होता कि वो एक दिन फ्लावर बन सकता है, कि दैट इट कैन बिकम अ फ्लावर। इट्स ओनली व्हेन इट स्टार्ट्स हिज जर्नी, जब सीड अपनी जब यात्रा शुरू करता है, और वो एक यात्रा ऐसी होती है बिल्कुल अननोन की यात्रा होती है, पता नहीं होता कि कहाँ होगा, क्या होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा। सारा रास्ता जो है इनसिक्योर है, सारा रास्ता जो है खतरों से बटा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो सीड जो है वो यात्रा करता है अननोन में, और वो अपनी यात्रा करता है उस फूल होने के लिए। अभी उसको अपनी पोटेंशियल का पता नहीं है, लेकिन उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, जिसको हम सीकर कहते हैं, जिसको हम साधक कहते हैं। वो एक सीड ऐसा है जिसने अपना जो है शेल तोड़ दिया और अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। अब वो जब फूल बनेगा तब बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो फूल बनेगा। बहुत पॉसिबिलिटी ये होगी कि वो क्रश हो जाएगा, बहुत पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसकी जो यात्रा है वो बीच में ख़त्म हो जाएगी। भगवान कृष्ण जो है भगवद गीता में कहते हैं कि लाखों में से एक व्यक्ति जो है उस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है, और उन लाखों व्यक्तियों में एक व्यक्ति जाके पहुँचता है, एक व्यक्ति जाके जो है उसको बुद्धत्व प्राप्त होता है, उस एक व्यक्ति का जो है फूल खिलता है, और 99,999 जो हैं वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। एग्जिस्टेंस ने, नेचर ने कुछ खेल ही कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि जब आप इस भीतर की यात्रा पे निकलते हैं, जब तक कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कि आप
का जो है कार्मिक सर्कल जो है कंप्लीट नहीं होता तब तक आप फूल नहीं बनेंगे. तब तक यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दीज डिज़ायर्स, तब तक यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दीज यू नो काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. बार बार जीवन और मरण का जो है ये चक्कर चलता रहेगा. लेकिन इसके अंदर निराश होने की ज़रूरत नहीं है. हो सकता है अभी आप जो है उस 99,999 की गिनती में हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है. और उसी चलने से जो है वो आप कब जो है वो एक की स्थिति जब आपके अंदर बन जाए कुछ नहीं कह सकते. क्योंकि जो वो जो एक की स्थिति है जो मैं देखता हूँ, वो एक की स्थिति कुछ ऐसी है, वो होती है ग्रेस के कारण, आशीर्वाद के कारण, ब्लेसिंग के कारण. जब गुरु की आपके ऊपर कृपा होती है, जब गुरु की आपके ऊपर ब्लेसिंग होती है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू बिकम दैट वन. एक मूवी है मैट्रिक्स जो कि मेरी फेवरेट है, वो अपने आप में एक बहुत स्पिरिचुअल मूवी है. और उस मूवी में नियो नाम का लड़का जो है वो, उसको पता नहीं होता कि उसकी क्या पोटेंशियल है, लेकिन उसके गुरु को ज़रूर पता होता है कि उसकी क्या पोटेंशियल है. और हर वक्त उसका जो गुरु है उसको यही रिमाइंड कराता रहता है कि दैट यू आर द वन. लेकिन नियो को विश्वास नहीं होता. और गुरु की नज़र होती है, गुरु की आँख होती है, गुरु देख सकता है. और मूवी में जैसे हम देखते हैं धीरे धीरे नियो को जो है रियलाइज़ होना शुरू होता है कि दैट ही इज़ द वन, कि वो उसकी वो पोटेंशियल है जो जहाँ पे उसका गुरु पहुँचा वहाँ पे जो है वो भी पहुँच सकता है. जैसे गुरु का फूल खिला वैसे ही उसका भी फूल खिल सकता है. तो यही जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं कार्ड ऑफ द करेज से आता है कि आपको जो है अपनी यात्रा जो है शुरू करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक बार आपने यात्रा शुरू कर दी तो फिर इसमें कोई रुकने का कोई सवाल नहीं है. क्योंकि वो यात्रा अपने आप में इतनी सुंदर है, वो यात्रा अपने आप में इतनी जो है वो इतना कुछ आपको दे देती है कि आप मंजिल की इतनी फिक्र नहीं करते, आपको चलने में मज़ा आने लग जाए. लाओ तज़ू की जो है एक कहावत है, वो कहते हैं कि जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स बिगिन विद 1 सिंगल स्टेप. चाहे वो हज़ारों पद की यात्रा जो है चाहे अभी आप पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक पद तो ले ही सकते हैं, कम से कम एक स्टेप तो ले ही सकते हैं. सो दिस इज़ वॉट द कार्ड ऑफ द करेज रिमाइंड्स अस टू एटलीस्ट स्टार्ट द जर्नी, टू ब्रेक आवर शेल, टू कम आउट ऑफ इट. और जब सीड की जब यात्रा जब शुरू होती है, द मोमेंट जब जो है सीड जो है अपना शेल तोड़ता है और उससे बाहर आता है, उसी वक्त जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल शुरू हो जाती है. क्योंकि उसकी जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको जो है सर्वाइव करना है इन सारी डिफ़िकल्टीज से. सीड अपने आप में बहुत सिक्योर है, सीड अपने आप में जो है बहुत सुरक्षित है, लेकिन जो सीड से जो वो जो स्प्राउट जो बाहर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है. उसकी जान हमेशा जो है खतरे में है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है. लेकिन इन सब चैलेंजेस से, इन सब प्रॉब्लम से जो है घबराना नहीं है. जो आदमी की जो खिलावट है, उसका जो पोटेंशियल है, वो उसको हमेशा कहीं ना कहीं उसको जो है बुलाती रहती है. वो जो सीड के अंदर जो एक अननोन एक प्यास है एक फ्लावर बनने की, वो उसको हर वक्त बुला रही है. और उसी के कारण जो है सीड जो है अपनी यात्रा शुरू करता है. तो जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है कि हर आदमी के अंदर जो है अपनी एक पोटेंशियल है, हर आदमी का अपना एक सॉन्ग है, दैट यू आर हेयर टू सिंग योर ओन सॉन्ग, दैट यू आर हेयर टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. मेक श्योर दैट टिल द टाइम यू आर हेयर यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर एबल टू सिंग योर सॉन्ग. तो अगर हम कंपेयर करें दी कार्ड ऑफ दी स्ट्रेंथ के साथ, तो करेज जो है अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है. बात कर रहा है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो है फेस करने की और आपको अपनी शक्तियों को रियलाइज़ कराने की. और एज़ कम्पेयर टू अगर जो कार्ड ऑफ द करेज है, वो कार्ड ऑफ द करेज जो है वो आपको सिंपली बोल रहा है आपके भीतर जो है एक पोटेंशियल बैठी हुई है बुध होने की, आपके भीतर एक पोटेंशियल बैठी हुई है कृष्ण होने की, कि आप अपने ढंग से एक ऐसे फूल खेल सकते हैं जो आपकी पोटेंशियल है. बात ये नहीं कि खिलावट हो या ना हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट आपने जो है यात्रा शुरू तो करी, आपने जो है अपनी साधना शुरू तो करी. साधना शुरू करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सीधा मंजिल के बारे में सोचना कि मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो मंजिल का पक्का नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मंजिल के तरफ चलने में जो आनंद है, चलने में जो मज़ा है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है. एक साधक को, एक शिष्य को जो है चलने में ही मज़ा आने लग जाता है और उसकी जो मंजिल है वो कहीं ना कहीं चलने में ही आ जाती है. दिस इज़ वॉट माई इंटरप्रिटेशन फॉर यू इज़ फॉर द कार्ड ऑफ करेज.
और मैं सभी लोगों को यही विश करूँगा कि वो भी अपने भीतर बैठे हुए इस पोटेंशियल को, इस करेज को जो है बाहर निकालें. ब्रेक आउट योर शेल, स्टार्ट योर जर्नी, द फ्लावरिंग इज वेटिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. नमस्ते.